अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जा सकता है। यानी गूगल पर आपने जो भी सर्च किया है इसकी हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल लॉगो पर क्लिक करना है, यानी गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद इधर कोने में जो सर्कल है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना है। सर्च हिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया। इधर आपने जो भी डिलीट करना है, यानी टुडे पर क्लिक करना है, या इधर जो डिलीट लिखा हुआ है डिलीट पर क्लिक करना है। आपके साथ ऑप्शन आएगा या टुडे या आप जो भी डिलीट करना चाहते हो, यानी एक दिन की या हफ्ते की या फुल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो। तो डिलीट टुडे, डिलीट कस्टम रेंज, डिलीट ऑल टाइम, ऑटो डिलीट। अगर आपने ऑटो डिलीट ऑन किया तो ख़ुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। अगर आप टुडे डिलीट करना चाहते हो, यानी आज आपने जो भी सर्च किया है उसी दिन का ही डिलीट हो जाएगा, या यस्टरडे, ये इस क्रॉस पर क्लिक करना है, आपके साथ हिस्ट्री जो है ना ख़ुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। फिर आपने आना है क्रोम पर क्लिक करना है। आपने जो भी सर्च किया है वो क्रोम में भी सेव हो जाता है, यानी क्रोम पर क्लिक करना है। क्रोम पर इधर कोने में जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने हिस्ट्री पर क्लिक करना है। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपने आपके साथ जो है ना हिस्ट्री खुल गया, यानी आपके सर्च का हिस्ट्री खुल गया। फिर आपने क्रॉस के निशान पर क्लिक करना है, यानी आप जो भी हिस्ट्री ख़त्म करना चाहते हो तो इस क्रॉस पर क्लिक करना है, आपके साथ हिस्ट्री खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ये है हिस्ट्री डिलीट करने का तरीक़ा। ओके बाय।